नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको SBI कार लोन के बारे में बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कार लोन देती है उसमें जो बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो सब मैं आज आपकी इस बताऊंगा। देखिए, किसी भी परिवार का सपना होता है एक घर और एक गाड़ी अपनी हो, तो इन दोनों चीज़ों को साकार करने के लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जो पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए ये लोन देता है, जिसके अंदर SUV और जो भी पर्सनल सेगमेंट में गाड़ियाँ आती है वो सब आ सकती हैं। आप नई गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हो, आप पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए भी स्टेट बैंक से लोन ले सकते हो। आज की डेट में जो स्टेट बैंक में लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 से स्टार्ट होती है। आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करें, मिनिमम रेट आपको 7.5 लगेगी। आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए लोन लेने के लिए और मैक्सिमम एज 67 ईयर तक आप पूरा लोन रीपेमेंट कर दें, उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो 3,000, अगर आप बिजनेस क्लास हैं तो 3,000 और अगर आप फार्मर हैं तो 4,00,000 आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। और अगर यदि आपकी मिनिमम इनकम कम है तो आप अपने साथ किसी को को एप्लीकेंट बना सकते हैं ताकि दोनों की इनकम क्लब होके मैक्सिमम हो जाए। नंबर ऑफ को एप्लीकेंट आप अपने साथ दो लोगों को जोड़ सकते हो ताकि उनकी इनकम भी आपके साथ क्लब हो जाए, तो आपकी एलिजिबिलिटी भी बन जाए और आपका लोन अमाउंट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो भी बैंक आपको दे पाएगा। रीपेमेंट मैक्सिमम 7 साल का होता है या फिर आप मैक्सिमम एज 70 ईयर अटेंड करें उस तक होगा। आपको ये ओवरड्राफ्ट या टर्म लोन में भी मिल सकता है लोन। सिक्योरिटी बैंक इसमें आपसे किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, आपका जो कार की जो RC होती है उस पर बैंक अपना लीन मार्क करवा देता है। जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो EMI रेशियो या LTV रेशियो से कैलकुलेट किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ जनरली EMI रेशियो और NMI रेशियो 50% के करीब होता है। अब मैं आपको एक केस देके देखता हूँ जिसमें 50% अगर मैं ये कंसीडर करूँ और आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो बैंक ये मान के चलता है कि आप मैक्सिमम अगर यदि 60% EMI NMI रेशियो है तो आप 30,000 तक का EMI पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी है वो 30,000 से कैलकुलेट होगी। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब अगर यदि 85% है और आपने अगर यदि कार एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस, उन दोनों में आप ऑन रोड जो प्राइस पड़ती है उसके अंदर अगर यदि आप एसेसरीज को हटा दें तो जो भी प्राइस होगी उसका 85% तक आपको फाइनेंस हो जाएगा। मान के चलिए कोई कार अगर यदि आपको 10,00,000 की पड़ती है तो बैंक आपको 8.5 लाख तक सेंक्शन करके दे देगा लोन। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट ना हो, और जो बेसिक लोन जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है लोन लेने के लिए, कंप्लीट एप्लीकेशन दो फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ सैलरी स्लिप, दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कार्ड कोटेशन। सिंपल है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगभग हर किसी के पास होते हैं। प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.5 से लेकर 2% तक के बीच में होती है। स्टाम्प ड्यूटी आपको पेबल होती है जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर, जो भी एग्रीमेंट पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उतना आपको बैंक को स्टाम्प खरीद के देना होता है। पेमेंट डायरेक्ट कार डीलर को मिलता है, आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आता। मार्जिन मनी और जो भी लोन अमाउंट है वो एक साथ बैंक कार डीलर को पेमेंट करेगा। आप रीपेमेंट कर सकते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से, ECS से भी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से भी। अगर आप इस कार लोन को प्री क्लोज कराने जाते हैं तो 2% तक की पेनल्टी लगती है आपको। आप किसी भी बैंक से कार लोन ले सकते हैं, SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप SBI में ही प्रेफर करें क्योंकि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। अगर किसी वजह से अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती या कोई कमी है आपके में तो आप फिर दूसरे बैंकों में जाएं। फ्रेंड्स, आप टीम मुरारीगर का हिस्सा बने। आज की डेट में काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं मेरी टीम से, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ जिससे आपकी पैसिव इनकम होती रहती है। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।